CVT gear wall body. Shifts all night. Shifts all night number 1, 2, and 3. Gear shifting mechanism, rod adjusted on his place. जी फ्रेंड, वॉल बॉडी अपनी जगह पे फिट कर दिया है और अभी इसका गियर चेक करना है कि गियर जो पंचर है वो जगह पे फिक्स है इंशाल्लाह। ये इसके अंदर फंसा हुआ, ठीक है, और रॉड उसके अंदर होना चाहिए ताकि गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये शिफ्ट ऑल नाइट स्विच कनेक्शन, ऑयल, गियर शिफ्टिंग वाले जो प्रेशर देते हैं ये, और अभी इसका जो ना फिल्टर फिट करते हैं, फिल्टर असेंबली। ठीक है जी, वीडियो देखते रहिए। टोयोटा फिल्टर ऑटो ट्रांसमिशन असेंबली चैम्बर रिमूव्ड, वॉल बॉडी रिमूव्ड एंड रिवर्स गियर इशू आ रहा था। ये सील लगी हुई है, प्रेशर बनाती है रिवर्स गियर के लिए, ये मिसप्लेस हो गई थी जिसकी वजह से रिवर्स गियर का इशू आ रहा था। ये सील है, यहाँ पे ऐसे आके बैठती है, इसको भी थोड़ी सी दबा के लगाएंगे, इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगी। सीवीटी गियर वॉल बॉडी रिवर्स गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम। दिस सील वॉज मिसप्लेस्ड ड्यूरिंग शिफ्ट सोलेनोइड फिटिंग। द पोजिशन ऑफ दिस of the pressure on this reverse gear. Filter assembly. अभी इंशाल्लाह इसको फिट करते हैं, सीट को पक्का करके इंशाल्लाह इसको भी फिटिंग करते हैं, इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा रिवर्स गियर वाला। जी फ्रेंड्स, फिल्टर भी लगा दिया, देखिए फिल्टर, इसकी तीन बोल्ट हैं 1, 2, एंड 3। अब इसके ऊपर नीचे जो है ना इसका अभी चैम्बर लगाएंगे, चैम्बर कवर। ये है जनाब रेडी सिलिकॉन, स्पेशल सिलिकॉन लगानी होती है इसको ताकि ये लीकेज ना करे, और इसको अभी फिटिंग करते हैं। ठीक है जी,
अच्छा दोस्तों, चैम्बर को फिट कर दिए हैं, 10 नंबर काबिले आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, फुल टाइट कर दिए मैंने। और ये सिलिकॉन है और ये अच्छी वाली सिलिकॉन है मेगा की। अब ये कम से कम डेढ़ घंटा इसको चाहिए होगा खुश होने में, कम से कम डेढ़ घंटा, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये आप लोग देख लें, डेढ़ घंटे के बाद इसको चेक करके फिर इंशाल्लाह इसमें CVT फ्लूड डालेंगे और इंशाल्लाह फिर गाड़ी ओके हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।